मेरा नाम हरिराम जसोल है। मैं अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ राजस्थान प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूं और बाड़मेर जिले का जिला सेक्रेटरी हूं। हमारी मांग ये है कि भारत देश के अंदर करीब 6 लाख कर्मचारी हैं डाक विभाग में और करीब 1,50,000 डाकखाने हैं, जिसमें से 1,29,000 डाकखाने चलाने वाले हम 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं और हम ग्रामीण सभी केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन आयोग लागू कर दिया सरकार ने और वो बढ़ा हुआ वेतन ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इतना पीछे छोड़ दिया कि 1-1-2016 से लेकर अभी 30 महीने हो गए। सरकार हमारे लिए ग्रामीण डाक सेवकों को वेतन आयोग लागू करने के लिए कमलेश चंद्र की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने मंगवाई, रिपोर्ट ले ली है, 24/11/2016 को रिपोर्ट ली, लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही। हमारी मुख्य मांग है ग्रामीण डाक सेवकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सातवां वेतन आयोग लागू किया जाए, पे कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए। हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है और वो 22 मई से। और अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो फिर सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल की लड़ाई है और इस बार हम किंतु परंतु की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वास्तविक लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी लोग अवगत हैं, बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आम जनता को कि जनता हमारी मदद करे, हमारा सहयोग करें। हम देश के गांव-गांव कोने-कोने में भारत की 80% ग्रामीण डाक सेवा को डाक सेवाएं देते हैं। आज हमने शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकाली और ज्ञापन हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर बाड़मेर को सौंपेंगे अभी।